राइट टू रिप्लाई के तहत यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र महासभा में आतंकवाद को लेकर भारत का पाकिस्तान को कड़ा जवाब गया है। यूनाइटेड के नेशंस के मंच का गलत इस्तेमाल करता है पाकिस्तान, भारत के खिलाफ आधारहीन आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान 26/11 हमले के जिम्मेदार आतंकियों पर कार्रवाई करे। 26/11 के पीड़ितों को 15 साल बाद भी न्याय का इंतजार है। सीमा पार से आतंकवाद और आतंकियों की मदद को रोके पाकिस्तान। अवैध और जबरन कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों को खाली करे पाकिस्तान। पाकिस्तान हैज बिकम अ हैबिचुअल ऑफेंडर व्हेन इट कम्स टू मिसयूजिंग दिस ऑगस्ट फोरम टू पेडल बेसलेस एंड मलिशियस प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया. Member states of the United Nations and other multilateral organizations are well aware that Pakistan does so to deflect the international community's attention away from its own abysmal record on human rights. तो और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हम अपने सहयोगी उमा शंकर सिंह के पास, विदेश मंत्रालय के एक्सपर्ट हैं इस मसले पर. उमा, सबसे पहले अभी आपने पेटल गहलोत का बयान सुना, काफी स्पष्ट तरीके से कड़ा जवाब दिया है और कई मुद्दे हैं जिसका उन्होंने जिक्र किया है. जी बिल्कुल, देखिए एक कड़ा जवाब, क्योंकि पाकिस्तान के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कश्मीर का राग छेड़ दिया था कल फिर से एक बार यूएन में, और लगता तो यही है कि पाकिस्तान के जो रूलर हैं वो यूएनजीए में हिस्सा लेने जाते इसलिए हैं क्योंकि उनको एक मंच मिल जाता है जहां से वो कश्मीर का राग अलापते हैं. और यही भारत ने अपने जवाब में कहा है कि इस मंच का जो बेजा इस्तेमाल है वो पाकिस्तान करता रहा है. पाकिस्तान को अपने घर में देखने की जरूरत है जहां पे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जो है चरम पर है. इस बयान में ये भी जिक्र किया गया है कि किस तरीके से में वहां पे 19 चर्चेज और जो नवासी जो ईसाइयों के घर हैं वो जलाए गए. अहमदिया पर जो है अत्याचार वहां पे हो रहा है. अल्पसंख्यक महिलाओं के बारे में पाकिस्तान की जो मानवाधिकार रिपोर्ट है उसका हवाला देते हुए कहा गया कि 1000 महिलाएं जो हैं वो उनकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक उनको अगवा किया गया है, जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराया गया है, उनसे जबरन शादी की गई है. तो इस तरह के रिकॉर्ड के साथ दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का मानवाधिकार रिकॉर्ड जो है कितना खराब है. साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो घोषित आतंकवादी हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो हैं वो पाकिस्तान की जमीन पर ही रहते हैं. और जहां तक अनवारुल हक ने ये बात कही थी कि जो कश्मीर जो है वो शांति की कुंजी है, तो उसका भी जवाब दिया गया है भारत की तरफ से. और ये कहा गया है कि शांति स्थापना दक्षिण एशिया में शांति स्थापना के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद बंद करे, जो ढांचा उसने खड़ा कर रखा है आतंकवाद का उसको तहस नहस करे, और साथ ही साथ वो जो भारत के कब्जे वाले जो जमीन है उसको छोड़े और नसीहत देने की बजाय अपने घर को ठीक करे मानवाधिकार के मसले पर. साथ ही जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि जो मुंबई हमले के जो गुनाहगार हैं उनको भी ठोस और वेरिफाइबल सजा देने की मांग जो है भारत की तरफ से एक बार फिर की गई है. 15 साल से ज्यादा बीत गए और जो पीड़ित हैं उनको अभी भी इसमें न्याय का इंतजार है. तो इन सब बातों के जरिए पाकिस्तान को एक बार फिर से घेरने की कोशिश की गई है और जो राग पाकिस्तान ने अलापा था कश्मीर का उसका माकूल जवाब भारत की तरफ से यूएनजीए मंच पर दिया गया है. बिल्कुल, आपने बड़े अच्छे से विस्तार से समझाया है कि मुंबई हमले ब्रूटल मैसाकर जो हो रहा है वहां पे माइनॉरिटीज के खिलाफ और इंडिया के जो की जो जमीन है उसको वैकेट करने पर खास तौर पर इन बातों को कहा गया और पाकिस्तान बार बार जिस यूनाइटेड नेशंस के मंच का इस्तेमाल करता है उसकी कड़ी आलोचना भी की गई है.